तो चलिए बेटा, पहला ही क्वेश्चन जो हमने कहा, क्वेश्चन पूछा गया है नेम द रेबल, रेबल ठीक है, हु थॉट गोरिला वॉर। बेटा बात की गई है गोरिला वॉर की, अगेंस्ट ब्रिटिश विद। अच्छा ये जो गोरिला वॉर था ये किसके खिलाफ था? ब्रिटिश के खिलाफ। गोरिला वॉर किसको कहते हैं? ऐसी जंग ठीक है जहां पर आप अलग अलग फ्रंट्स पर लड़ते हो, ठीक है। उनमें क्या कहा गया है, विद सपोर्ट ऑफ सिवरल और स्पेशली उनमें पीजेंट लीडर्स का रोल था। पीजेंट लीडर्स आपको पता ही है वो कौन है, जो जमींदार है वो साथ दे रहे थे उस वक्त। वो कौन थे उस गोरिल्ला वॉर में, ठीक है, किसने ये गोरिल्ला वॉर सिखाया, ब्रिटिशर्स के खिलाफ किसने लड़ा? हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला बेटा बताया गया ए तांत्या टोपे, मंगल पांडे, बी बहादुर शाह जफर और नाना साहिब। आप अपनी बुक में भी बेटा देख सकते हो। तो चलिए बेटा इसका सही आंसर है ए, याद रखिएगा इट इज बेटा ए हमारा यहाँ पर सही आंसर जाएगा। आप बुक को भी सामने रखकर कंफर्म कर सकते हो। चलिए बेटा दूसरा क्वेश्चन है, नेम द सन ऑफ बेगम हजरत महल फ्रॉम लखनऊ। बेगम हजरत महल के हाँ बेटे के बारे में बेटा बताना है। दूसरा बताइए कौन है। ए हमें दिया गया बिरजिस कादर, दूसरा नाना साहिब, कंवर सिंह और तीसरा है बाजीराव। बताइए चौथा बाजीराव। हमारा ए बी सी या डी, ठीक है बताइए बेटा कौन सा सही आंसर जाएगा। आंसर दिया है ए पार्ट, हमारा सही आंसर जाएगा बिरजिस कादर, ठीक है ए पार्ट सही आंसर बनता है। वेरी गुड फैंटास्टिक। क्वेश्चन नंबर थ्री है, द प्लेस वेयर बहादुर शाह जफर वॉज सेंट अंडर द लाइफ इम्प्रिजमेंट। बहादुर शाह जफर को भेजा गया था उम्र कैद के लिए किनके जरिए? ब्रिटिशर्स के जरिए। कहां पर भेजा गया था? लखनऊ भेजा गया था, मेरठ भेजा गया था, दिल्ली या रंगून, ठीक है। तो बेटा इन्हें कहां पर भेजा गया था? इन्हें भेजा गया था रंगून, याद रहे। हमारा क्वेश्चन नंबर फोर है, Who wanted to recognize his her adopted son as the heir of his or her Jhansi kingdom? कौन चाहता था कि उसका जो adopted son है उसे झांसी का अगला बादशाह बनाया जाए? नाना साहिब, कंवर सिंह, ब्रिजेश या बेटा रानी लक्ष्मीबाई? तो सीधा सीधा आंसर, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर, ए बी सी या डी इनमें से बताइए। तो ये डी सही आंसर जाएगा, रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है इन्हीं का एडॉप्टेड सन था। क्वेश्चन नंबर फाइव, हु वाज प्रोक्लेम्ड लीडर ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 फ्रॉम मुगल एम्पायर। क्योंकि 1857 में क्या था, मुगल एम्पायर डिक्लाइन हो रहा था, ठीक है, और मुगल एम्पायर क्योंकि दिल्ली सारी फौज आ गई थी, जो रेबल था रेबल की फौज सारी दिल्ली आ गई। तो दिल्ली में क्या हुआ, इन्होंने कहा कि हम बहादुर शाह जफर को अपना लीडर डिक्लेयर करते हैं। तो यहां पर हमें चार ऑप्शन दिए जाते हैं, आप बताइए ए है, बी है, सी है कि डी है। तो सीधा सीधा जवाब है सी, यहां पर सही जवाब जाएगा, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर 1857 में मुगल एम्पायर से लीडर करार दिए गए थे, रिवॉल्ट ऑफ 1857, रिमेम्बर। चलिए आगे सी से, चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स है, हु वाज नाना साहिब। ये नाना साहिब कौन थे? तो बेटा आप चारों ऑप्शन देखिए, डी बोल रहा है कि इनमें से इन तीन आंसर में से कोई नहीं है, ए बोल रहा है पेशवा बाजीराव, बी बोल रहा है सन ऑफ रानी लक्ष्मीबाई, सी बोल रही है सन ऑफ नवाब वाजिद अली शाह, डी बोल रहा है इन तीनों में से कोई भी नहीं। ए पार्ट सही आंसर है, नाना साहिब कौन थे? सन ऑफ पेशवा बाजी राव सेकंड, ठीक। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट डू यू मीन बाय सिपॉय। ये सिपॉय कौन थे, ये सिपॉय क्या कॉन्सेप्ट था? तो ब्रिटिश जो थे, जो ये अंग्रेज थे, इन्होंने सिपॉय का ही एक वर्जन था। कौन सिपाही का वर्जन कौन था? सोल्जर को ये सिपाही कहते थे, ठीक है, क्योंकि हिंदुस्तानी जुबान में सिपाही कहा जाता था। तो सही सही आंसर है सी, सही सी इज द करेक्ट आंसर। ये ट्राइबल नहीं था, ट्राइबल एक अलग कम्युनिटी है, पीजेंट भी नहीं थे, सिपाही का मतलब पीजेंट नहीं था, और सिपाही का मतलब सही सही सोल्जर ही है, यानी डी बी और ए नहीं है। चलिए बेटा ठीक, सॉरी क्वेश्चन नंबर एट है, Which revolt is led by Nana Sahib, the adopted son of Peshwa Bajirao? तो नाना साहिब, तो क्वेश्चन पूछा गया है विच रिवॉल्ट, कौन सा रिवॉल्ट, लेड बाय नाना साहिब द एडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव सेकंड, ठीक है। कहा गया कानपुर का, अवध का, जगदीशपुर का या बितूर का, इनमें से आप बताइए नाना साहिब किस रिवॉल्ट को क्या करते हैं, आगे ले जाते हैं। पार्ट हमारा सही आंसर जाएगा, इट इज कानपुर, ए इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर।
चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है, द ग्रीज्ड कार्ट्रिज गिवन टू द इंडियन सोल्जर्स वाज मेड ऑफ। जरा यहां पर बेटा बात करते हैं, यह कहानी कहां से स्टार्ट होती है? मंगल पांडे से कहानी स्टार्ट होती है, जिन्हें सबसे पहले कहा गया कि तुम कौन से पवित्र हो, तुम भी तो अब गाय की चर्बी चाटते हो। क्योंकि मंगल पांडे क्या था, मंगल पांडे एक जिसे कहते ना बड़ी जात से था, ठीक है। तो फिर जब उसने सारा कुछ मालूम किया तो उसके बाद क्या पता चला कि वो सही बात है कि ग्रीज्ड जो कार्ट्रिजेस थी, तब कार्ट्रिजेस के ऊपर जो लगने वाली थी वो चर्बी थी, ठीक है। वो चर्बी थी किसकी, उसमें या तो सुअर की चर्बी लगी होती थी, ये एक र्यूमर भी कुछ जगहों पर कहा गया कि ये खाली बस अफवाह थी। तो ये सही बात भी थी कि उनमें गाय या किसकी गाय और सुअर की चर्बी लगी थी। तो ये इसी मसले पर फिर सारा रिवॉल्ट हुआ। हाँ, तो कहा गया कि किस किस की चर्बी जो ग्रीज्ड कार्ट्रिजेस थी गिवन टू द इंडियन सोल्जर्स, क्योंकि इंडियन सोल्जर्स ने कहा कि हमारे सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं। हाँ, तो कहा गया फैट ऑफ द हैन, नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता। फैट ऑफ द डॉग, नहीं ये भी नहीं है। फैट ऑफ द गोट एंड द शीप, ये भी नहीं है, क्योंकि हमने बात अभी की काउ फैट और किसकी, काउ फैट और किसकी, शाबाश, काउ फैट एंड इट इज पिग फैट। तो डी सही आंसर है, फैट ऑफ काउ एंड पिग, ठीक है। चले बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है, हु वाज द इंडियन रूलर अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लिप्स इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड डॉलहाउस, ठीक है। हु वाज द इंडियन रूलर्स अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लिप्स इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड डॉलहाउस, लॉर्ड डॉलहाउस ने डॉक्ट्रिन ऑफ लिप्स इंट्रोड्यूस की थी। तो बेटा कहा गया है दे आर नॉट अलाउड टू गो आउट ऑफ देयर स्टेट। क्या कहती थी ये जो डॉक्ट्रिन थी ना, ये क्या कह रही थी, जो भी कोई स्टेट होगी, कोई प्रिंसली स्टेट है, तो वहां का रूलर अडॉप्टेड, अगर किसी कोई अडॉप्टेड सन रखेगा या अगर उसका अपना वंश नहीं होगा, अपना बेटा नहीं है, तो वो अडॉप्टेड को अपना रूल हैंडओवर नहीं कर सकता। उसके बाद वो रूल सीधे सीधे वो गवर्नमेंट या वहां की जो गवर्नमेंट है वो किसके हवाले हो जाएगी, वो प्रिंसली स्टेट, वो एरिया डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर क्या हो जाएगी, सीड हो जाएगी। तो वही बात यहां पर कही गई है। जरा हम देखते हैं किस वाले ऑप्शन में हमारा ये सही मिलता है। दे आर नॉट अलाउड टू गो आउट ऑफ दियर स्टेट्स, नहीं ये तो नहीं है, उनको अलाउड था, वो अपने स्टेट से जा सकते थे, मगर जब भी बात आएगी रूल की तो रूल किनके अंडर, जो गवर्नमेंट है वो किनके अंडर फिर जाएगी, वो सारा खत्म हो जाएगा, वो रूलर नहीं रहेंगे। वो देखते हैं वो बात कहां पे है, दे कुड नॉट हैव रिलेशन विद फॉरेन पावर्स, वो फॉरेन पावर्स के साथ रिलेशन रख सकते थे, ये भी डॉक्ट्रिन ऑफ लिप्स नहीं कह रही थी। फिर पूछा गया सी दे आर नॉट अलाउड टू अडॉप्ट एन हेयर टू द थ्रोन, ठीक है। और चौथा पूछा गया कुड नॉट कीप एनी आर्मी, ये भी सही था, प्रिंसली स्टेट्स अपनी आर्मी नहीं रख सकते, मगर कुछ अलग पूछा गया है, पूछा गया है वारिस की बात की गई है, ठीक है। वो अडॉप्ट नहीं कर सकते अगर उनका अपना बेटा नहीं है, अगर उनका अपना बेटा नहीं है, याद रखिएगा जिसका अपना बेटा नहीं होगा तो वो अडॉप्ट नहीं करेगा गवर्नमेंट को या अपनी हुकूमत को, अपनी जो इनकी जो हुकूमत है उसको चलाने के लिए। तो फिर अगर उनका अपना बेटा नहीं है तो हुकूमत सीधे सीधे किनके हाथ में चली जाएगी, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में चली जाएगी। तो सी हमारा सही आंसर जाएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है, व्हेन डिड द रिवॉल्ट ऑफ मीरठ ब्रेक आउट, मीरठ का जो रिवॉल्ट है, जो बगावत है मीरठ की, वो कब हुई थी, 1863 में, 1825 में, 1874 में। देखो बेटा हम सीधे सीधे पहले ही बोल रहे हैं कि 1857 में सारा कुछ हुआ था, तो 1863 यहां पर सीधे सीधे पहले ही हो जाएगा, 1825 भी नहीं है क्योंकि 1857 का सारा इवेंट है, 1874 ये भी नहीं जाएगा। तो सीधे डी सही आंसर है, आप सही आंसर दे रहे हो, डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, 1857। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 16 जो हमने बेटा रखा है, हु पब्लिश्ड फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार, सिपाही से सूबेदार, ठीक है, किसने पब्लिश की थी। यहां पर पब्लिश भी कह सकते हो आप या बेटा रिटन रोट भी लिख सकते हो आप, रिमेम्बर, ठीक है। वाजिद अली शाह, हाँ, तांतिया टोपे, सीताराम पांडे या इनमें से किसी ने भी नहीं, वाजिद अली शाह ने तो नहीं लिखी थी, हाँ, तांतिया टोपे ने भी नहीं लिखी थी, हाँ, सीताराम पांडे या नन ऑफ दीज। तो बेटा याद रखिएगा सीताराम पांडे ने ये लिखी थी, सिपाही टू सूबेदार। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट वर द इफेक्ट, क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट वर द इफेक्ट ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 ऑन इंडिया, 1857 में क्या उसका क्या इफेक्ट था। बहुत लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स थे, बड़े बड़े इफेक्ट्स थे। पहला इफेक्ट ये था कि मुगल एम्पायर खत्म हुआ, याद रखिएगा मुगल एम्पायर क्या हुआ, मुगल एम्पायर का ये एंड था,
1857 के रिवॉल्ट की वजह से। दूसरा बड़ा मसला क्या था? दूसरा बड़ा मसला ये था कि जो रूल था पहले, तब तक 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी। इसके बाद सीधे सीधे जो प्रिंस है, ठीक है, वो जो बेटा प्रिंस ऑफ ब्रिटिश है, प्रिंस ऑफ ब्रिटेन, वो डायरेक्ट कंट्रोल लेते हैं इंडिया का अपने हाथों में। यानी चेंज ऑफ, इट वॉज चेंज ऑफ, क्या था, इट वॉज टोटली चेंज, चेंज ऑफ रूल 1857 के बाद हुआ। बहुत सारे आंसर सही है। एंड ऑफ मुगल एम्पायर, एंड ऑफ मुगल एम्पायर जो हमने अभी कहा, एंड ऑफ मुगल एम्पायर का किसका आंसर बनेगा? क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, हु वॉज मंगल पांडे? मंगल पांडे कौन था? क्या मंगल पांडे कोई विलेजर था? विलेजर तो था ही, ये था, मगर एज अ ब्रिटिश गवर्नमेंट में इसका काम क्या था? क्या ये किंग था? नहीं, किंग भी नहीं था, विलेजर तो था, मगर यहाँ पर हम आंसर के परस्पेक्टिव में देखेंगे, विलेजर भी नहीं था, यानी ना तो बी है, ना सी है, ना इसका डी है। तो सही आंसर क्या है? मंगल पांडे एक सोल्जर था। क्वेश्चन नंबर 21 है, हु वाज द लास्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया? तो लास्ट वॉइस रॉय कौन थे? लास्ट वॉइस रॉय आपने सुना होगा, लॉर्ड माउंटबेटन, माउंटबेटन प्लान, ठीक है। तो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, मैं तब तक क्वेश्चन नंबर 21 करता हूँ। लास्ट वॉइस रॉय इंडिया के कौन थे? तब तक हम क्वेश्चन नंबर 21 करते जब तक आप इसका आंसर दोगे। पूछा गया है, हु सपोर्टेड द आइडिया ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट? सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट किसका आइडिया था? सपोर्टेड, हु सपोर्टेड, किसने सपोर्ट किया आइडिया ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट? पहला कहा गया है आंसर में, मुमताज अली, नहीं ये तो नहीं है। बी राम मोहन रॉय, नहीं ये भी नहीं है, है तो रिफॉर्मिस्ट, हाँ, परियार या पंडिता रामाबा, तो डी भी नहीं है, पंडिता रामाबा भी नहीं है, ठीक है। तो सी इसका सही आंसर है कि सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट का जो आइडिया था उसको सपोर्ट करने वाले परियार थे, ठीक। ऊपर पूछा, ऊपर हमने एक क्वेश्चन रखा था कि 20 क्वेश्चन नंबर 21, हु वाज द लास्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया? जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो उस वक्त कौन थे? तो याद रखिएगा, लॉर्ड माउंटबेटन, याद रखिएगा, बी सही आंसर जाएगा, ठीक है। कहां पर? क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर कौन है? बी सही आंसर है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर कौन है? सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 21 पूछ रहा है, द आइडिया ऑफ विडो रिमैरिज वॉज एडवोकेटेड बाय किसने एडवोकेट किया था, सिफारिश की थी, इसको बिल्कुल सपोर्ट किया था? ए दयानंद सरस्वती, बी ज्योतिराव फुले, सी परियार, डी पंडिता रामाबाई। कौन है इनमें से सही आंसर? ए क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर ए है। द सत्यशोधक समाज एसोसिएशन वॉज फाउंडेड बाय, सत्यशोधक समाज एसोसिएशन किसने बनाई थी? क्या मुमताज अली ने बनाई थी? नहीं, मुमताज अली ने नहीं बनाई थी, परियार ने नहीं बनाई थी, हाँ, ज्योतिराव फुले या बी आर अंबेडकर, इन दोनों में से एक चुनना है, बी आर अंबेडकर ने नहीं बनाई थी, तो सी यहां पर सही आंसर जाएगा, ज्योतिराव फुले ने सत्यशोधक समाज बनाया था। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, विडो रिमैरिज एक्ट वॉज पास्ड इन द ईयर, विडो रिमैरिज एक्ट पास किया गया था कब? कब पास किया था? 1826 में? नहीं, 1856 में या 1876 में? 1886 में तो बिल्कुल ही नहीं, 1876 में भी नहीं, 1856 में। विडो रिमैरिज यानी जो विडो है उसको दोबारा शादी करने की के लिए कानून बनाया गया, उसे रिफॉर्मिस्ट ने बहुत कोशिश की और फिर एक कानून बाजाबत तौर पर कानून की शक्ल दी गई ब्रिटिश गवर्नमेंट में। तो 1856 में क्या हुआ, ये कानून पास हुआ तौर पर, तो बी यहां पर सही आंसर जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, व्हाट इज कुल्ली, ये जो कुल्ली शिप क्या होता था? तो याद रखिएगा, पुराने जमाने में आज से बहुत टाइम पहले इंडिया से जब लोग जाते, इंडिया से मजदूर जाते थे, लेबर जाते थे, हाँ, लेबर क्या करते थे, वो लेबर क्या करते थे, वो रेलवे का सामान या दूसरा कोई सामान अपने सर पर लेकर एक जगह से थोड़ा दूर, हाँ, सामान को कैरी करते थे, मटेरियल को कैरी करते थे, ठीक है। तो रेलवे प्लेटफॉर्म से या एक मसला कुल्ली उनको भी कहा जाता था, ऐसे शिप्स को कहा जाता था कुल्ली शिप्स, उन्हीं मजदूरों को कहा जाता था, उन शिप्स को कहा जाता था जो क्या करते थे, जो मॉरिशस भेजे जाते थे, याद रखिएगा, कहां भेजे जाते थे, मॉरिशस भेजे जाते थे, कुल्ली शिप्स। इन्होंने कहा है, फिर से बेटा ध्यान से, आप जल्दी जल्दी आंसर देते हो ना, तो पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ा करो। कुल्ली शिप कहा गया है ऐसे शिप्स जिनमें मजदूर भर के होते थे, उन्हें कहां भेजा जाता था, मॉरिशस या दूसरे देशों में, ठीक है, तब ज्यादातर मॉरिशस भेजे जाते थे, कॉलोनीज में भी कभी कभार इनको भेजा जाता था। तो लगेज लिफ्टर एट रेलवे प्लेटफॉर्म, उनको कुल्लीज कहा जाता था, बट क्वेश्चन है कुल्ली शिप,
ठीक याद रखिएगा, फिर से एक बार आप आंसर देखिए अपना, कुली शिप कहा इसने, अ शिप दैट कैरीड मैनी इंडियन टू मॉरिशस, एसोसिएशन ऑफ कुलीज तो नहीं है, अभी मैंने कहा डी भी नहीं है, तो मेरा बेटा बी सही आंसर जाएगा, क्योंकि कहा गया है कुली शिप, अ शिप दैट कैरीड मैनी इंडियन टू मॉरिशस। ठीक चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, एवी रामास्वामी वॉज नोन बाय द नेम, क्वेश्चन नंबर 26, उन्हें किस नाम से जाना जाता है, एवी रामास्वामी को किस नाम से जाना जाता है, फूले के नाम से नहीं करेक्ट आंसर जाएगा, बहुत सारे बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, बी यहां पर भी करेक्ट आंसर आप आंसर दिए। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, ड्यूरिंग विच पीरियड डिड अम्बेडकर लेड थ्री टेम्पल एंट्री मूवमेंट, बताया गया हमें डेट बताना है, बी आर अम्बेडकर ने स्टार्ट किया टेम्पल एंट्री मूवमेंट कब किया, 1900 से 1927 ये नहीं है, इसके बीच में नहीं है, 27 ईयर्स का गैप नहीं है, यहाँ पर सही आंसर है 1927 से 1935 टेम्पल एंट्री मूवमेंट, जो बड़ी टेम्पल एंट्री मूवमेंट गांधी जी ने उठाई थी वो चली थी। ठीक चले आगे, क्वेश्चन नंबर 28 पूछा जा रहा है, प्रार्थना समाज किसने बनाई थी, एच एल वी दोर्जोई, स्वामी विवेकानंद, आर जी भंडारकर या राजा राम मोहन रॉय, इनमें से ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, डी भी नहीं है, सी यहां पर सही आंसर बनेगा, सी यानी क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या बनेगा, क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या बनेगा, सी पार्ट आंसर बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है, विच ऑफ द रिफॉर्मर्स मूवमेंट वॉज फाउंडेड बाई एच एल वी दोर्जोय, ये जो क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि कौन सी रिफॉर्म मूवमेंट दोर्जोय ने चलाई थी, यंग बंगाल, ये बंगाल से थे, ठीक है, ब्राह्मो समाज, विद्या समाज, अलीगढ़ मूवमेंट, अलीगढ़ मूवमेंट तो इन्होंने नहीं चलाई थी, वेदा समाज भी नहीं चलाई थी, ब्राह्मो समाज भी नहीं, ए यहां पर सही आंसर जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है, हु स्टार्टेड स्कूल्स फॉर मुस्लिम गर्ल्स इन पटना एंड कलकत्ता, पटना और कलकत्ता में, पटना और कलकत्ता में याद रखिएगा, पटना और कलकत्ता में किसने, हु स्टार्टेड स्कूल्स, किनके लिए स्कूल्स, हु स्टार्टेड, किसने स्कूल स्टार्ट किए फॉर मुस्लिम गर्ल्स, इस सही आंसर जिस जिसने बी दिया है वो करेक्ट आंसर है, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 31 कहा गया, द फर्स्ट उर्दू नॉवल बिगिंस टू बी रिटन फ्रॉम, जो पहली उर्दू नॉवल्स थी, उर्दू जुबान में नॉवल्स लिखी गई, बड़ी बड़ी कहानियां लिखी गई, ठीक है, उन कहानियों में, ठीक है, द फर्स्ट उर्दू नॉवल, द फर्स्ट उर्दू नॉवल्स बिगिन टू बी रिटन फ्रॉम, कब से लिखी गई, तो यहां पर पूछा गया है चार, ए बी सी डी कहा गया है, द लेट 16th सेंचुरी, द लेट 17th सेंचुरी, द लेट 18th सेंचुरी, द लेट 19th सेंचुरी। अब यहां पर सबसे पहले हमें समझना होगा ये लेट कैसे, ये कॉन्सेप्ट क्या है लेट का, हा? जरा मैं यहां पर थोड़ा डिफाइन करूंगा अगर आप कि अगर आपको फुर्सत है तो, याद रखिएगा हम 100 ईयर्स को तीन हिस्सों में बांटते हैं, एक सेंचुरी को, हाँ 100 ईयर्स को, यानी हम सेंचुरी को कितने हिस्सों में बांटते हैं, तीन 100 सालों में, आपको पता है, तो पहले यानी अगर हम कहेंगे 1701 से स्टार्ट होती है 18th सेंचुरी, 1801 से स्टार्ट होती है 19th सेंचुरी, 1901 से स्टार्ट होती है 20th सेंचुरी, तो 1601 से क्या होती है स्टार्ट 17th सेंचुरी। ठीक अब जरा बताइए यहां पर हमें क्या बताना है, पहले यानी 1 से 35 सालों तक या कभी कभार 40, ठीक, ये कहलाते हैं अर्ली ईयर्स, यानी फिर 45 से लेकर 60 तक कहलाते हैं 65 तक मिड ईयर्स, फिर 65 यानी 70 से लेकर 90 तक क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं लेट ईयर्स, तो लेट 18th लेट 19th इसको ऐसे ही हम समझते हैं। तो चलिए अब वापस चलते हैं क्वेश्चन पर, अब जरा इसका आंसर देंगे, द लेट 16th सेंचुरी नहीं, ए तो बिल्कुल ही नहीं है, सी बोल रहा है द लेट 18th सेंचुरी नहीं, ये भी नहीं है, लेट 18th सेंचुरी, लेट 18th लेट 17th सेंचुरी नहीं, बी भी नहीं है, सी करेक्ट आंसर है द लेट 19th सेंचुरी, सही आंसर जाएगा डी पार्ट। जिस जिस विद रिस्पेक्ट टू एंशिएंट इंडिया A list of statement related to the untouchables are given below. Point out the one that is not correct. With respect to ancient India, जब हम ancient India की बात करते हैं, a list of statements related to untouchables. Untouchables, अभी हमने कहा शुद्रास, lower caste, है? उनके मुतलिक कुछ बातें हैं. Point out the one that is not true. जो सही नहीं है, not true. जो सही नहीं है.
ये कह रहा है नॉट ट्रू, याद रखिएगा हाँ नॉट ट्रू, इनमें हमें देखना है ये ट्रू नहीं है, ये सही नहीं है इसमें। पहला पूछा गया है, जरा देखते हैं पहला क्या है। इनमें कहा गया कि जब हम एंशियंट विद रेस्पेक्ट टू एंशियंट इंडिया की बात कर रहे हैं, हाँ 700 एडी से पहले की बात है, 700 एडी से पहले, अ लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट रिलेटेड टू अनटचेबल्स, किन के मुतलिक, अनटचेबल्स के मुतलिक एक स्टेटमेंट है, उनके मुतलिक बात है, आर गिवन बिलो, नीचे दिया गया है चार ऑप्शंस में, पॉइंट आउट द वन दैट इज नॉट ट्रू, इनमें से बताइए जो सही नहीं है। दे वेयर नॉट अलाउड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल्स यूज्ड बाय अपर कास्ट, ये सही बात है, अपर कास्ट उनको अपने कुओं का पानी इस्तेमाल करने नहीं देते थे, तो ये तो सही है, ये तो सही, इसने कहा नॉट अलाउड तो उनको अलाउड नहीं था, तो बेटा ये तो आंसर हमारा नहीं होगा, तो ये ए हमारा आंसर नहीं है। दूसरा बता रहा है दे वर नॉट कंसिडर्ड एज इंफीरियर ह्यूमन बींग्स, उन्हें इंफीरियर ह्यूमन बींग्स कंसिडर नहीं किया जा रहा था। सी है दे वर नॉट अलाउड टू बाथ इन पाउंड्स वेयर द अपर कास्ट बाथड, ये भी सही है, मगर यहां पर कुछ और भी बताना है, दे वर नॉट अलाउड टू एंटर टेम्पल, उन्हें टेम्पल एंटर करने नहीं देते थे, यानी ये भी हमारा सही आंसर नहीं है। हाँ दे वर नॉट अलाउड टू बाथ इन पाउंड्स, उन्हें पाउंड्स में नहाने की, उन्हें जानवरों के साथ नहाने की, पाउंड्स में जानवरों को नहाते थे, हाँ तो वहां पर उनके साथ जानवरों का साथ सुलूक उनके साथ होता था, तो हमारा बी सही आंसर जाएगा, दे वेयर नॉट कंसिडर्ड, ये कह रहा है ना जो सही रही है, बाकी सारी चीजें सही है। यहां पर आप जरा ध्यान दीजिए क्वेश्चन पर, ये कह रहा है जो सही नहीं है, मैंने ऊपर रेड कलर से टैग भी करके रखा था कि नॉट ट्रू, दे वर नॉट कंसिडर्ड एज अ इंफीरियर ह्यूमन बींग्स, जो इंफीरियर ह्यूमन बींग्स, जो इंफीरियर ह्यूमन बींग्स, याद रखिएगा बात की जा रही है इंफीरियर ह्यूमन बींग्स, कि उन्हें इंफीरियर ह्यूमन बींग्स कंसिडर नहीं किया जा रहा था, उन्हें इंफीरियर ह्यूमन बींग्स कंसिडर किया जा रहा था, इसीलिए बी सही आंसर बनेगा। क्या बी सही आंसर बनेगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हु ट्रांसलेटेड एन ओल्ड बुद्धिस्ट टेक्स्ट दैट वॉज क्रिटिकल ऑफ कास्ट, उस आप किसकी बात करें, बता रहा है क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है, हू ट्रांसलेटेड, किसने ट्रांसलेट किया बुद्धिस्ट टेक्स्ट को, हाँ बुद्धिस्ट टेक्स्ट यानी बुद्धों की लिखी हुई जो बौद्ध धर्म में लिखी गई थी, उसको क्या किया, ट्रांसलेट किया, हाँ दैट वॉज क्रिटिकल, जो कास्टिज्म को तनकीद पे ले रही थी, जो कास्टिज्म को तनकीद कर रही थी। पहला बताया गया पंडिता रामाबाई, पंडिता किसको कहते थे, याद रखेगा पंडिता उसी को कहते थे, पंडित या पंडिता जो संस्कृत की बड़ी आलिम होती थी, जो संस्कृत को पढ़ते थे, ठीक, संस्कृत के जानने वाले, कहा गया पंडिता रामाबाई, नहीं पंडिता रामाबाई ने ट्रांसलेट नहीं किया, ताराबाई शिंदे ने भी नहीं किया, हाँ ज्योतिराव फूले ने नहीं किया, सी सही आंसर है। बहुत सारे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, फॉलोवर ऑफ ब्रह्मो समाज स्टार्टेड अनदर वन इन मुंबई इन 1867, नेम दिस समाज दैट फॉट अगेंस्ट सोशल कस्टम्स, समाज में जो ये जो रस्म रसूम आते हैं, गलत रस्म रसूम आते हैं, उसके खिलाफ लड़ा एक समाज ने, लाइक चाइल्ड मैरिज था, विडो रिमैरिज था, ठीक है, इसके खिलाफ फॉर विडोज, बताइए कौन था, उस समाज का नाम क्या था, रामाकृष्ण मिशन तो नहीं, क्योंकि समाज की बात की गई है, बी थियोसफिकल सोसाइटी, ये भी नहीं थी, आर्य समाज नहीं था, ये सही है आपका, सी आंसर सही है, जो जो सही सी दे रहे हैं वो सही है, प्रार्थना समाज, हाँ प्रार्थना समाज सी करेक्ट आंसर बनेगा, सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है, नेम द इंपॉर्टेंट वुमन पर्सनैलिटी हु रोट एंड पब्लिश्ड अ बुक स्त्री पुरुष तुलना, यहां पर बेटा ध्यान दीजिएगा, स्त्री पुरुष तुलना, क्रिटिसाइजिंग द सोशल डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वुमेन, जो मैन एंड वुमेन के बीच में, मैन एंड वुमेन के बीच में जो डिफरेंसेस है, उन पर एक किताब बात करती है, रोट पब्लिश्ड अ बुक स्त्री, स्त्री किसको कहते हैं, वुमन को कहते हैं, पुरुष मर्द तुलना, इनके बीच में एक जो उसके बीच में जिसे कहते हैं बेटा कि बैलेंस इक्वालिटी, उन सब चीजों पर बात करती है, इनके बीच में कंपैरिजन जिसे हम कहेंगे, द बुक इज टॉकिंग अबाउट द कंपैरिजन बिटवीन मेल एंड फीमेल, हाँ सरोजनी नायडू तो नहीं, वो तो इंडिपेंडेंस टाइम के आगे थी, ठीक है, मुमताज अली नहीं, बी हमारा सही आंसर नहीं जाएगा, डी रामाबाई, हाँ ये भी नहीं है, तो बेटा ताराबाई शिंदे सही आंसर जा रहा है आपका। जिस 36 कह रहा है, among the following which colors belong to the traders and moneylenders, तो यहां पर मैं फिर से एक बार आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, हमें क्या याद रखना है, जब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं, जो हम हमारे पास अभी क्वेश्चन आया कि
among the following which class belong to traders and money lenders? क्योंकि जब हम question number 36 की बात करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा explanation की ज़रूरत है, हमें थोड़ा explain करना होगा। जो हिंदू जो casteism है ना, casteism basically कुछ चीजों को दिखाता है इंडिया में, ये on the basis of work, इस casteism ने इंडिया में work को divide करके रखा था। कहा जाता था जो ब्राह्मण है ये upper class तो है ही है, ये दो ही काम करेंगे, क्या क्या करेंगे, या तो ये trader बनेंगे, sorry ब्राह्मण, या तो ये teacher बनेंगे या तो ये preacher बनेंगे। हाँ, ये टीचर बनेंगे, प्रीचर बनेंगे, ठीक, यानी हाईएस्ट कला जो है ये इनके पास रहेगी, बुद्धि वाला। दूसरा कौन था? दूसरा था क्षत्रिय, क्षत्रियों को हिफाजत करनी है किनकी? ब्राह्मण्स की। तो ये क्या बनेंगे? ये वॉरियर बनेंगे, किंग बनेंगे, ठीक। फिर क्या आता है इसके बाद? वैश्याज। तो वैश्याज क्या करेंगे? वैश्याज मर्चेंट बनेंगे, वैश्याज ट्रेडर्स बनेंगे, वैश्याज कारोबार करेंगे, दे विल इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक, मनी लेंडर्स बनेंगे। फिर आती है लास्ट ग्रुप, वो कौन है? शुद्राज। तो शुद्रा क्या करेंगे? जो सबसे निचला काम है, जैसे मैनुअल सिक्वेंजिंग, घरों में से जो गंदगी वगैरह उसको साफ करेंगे, जो सफाई वगैरह करनी है वो करेंगे, ठीक है। तो चलिए वापस, अब जरा आंसर दीजिए, अमंग द फॉलोइंग विच क्लास बिलोंग टू ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स, जो मनी लेंडर्स भी होंगे ट्रेडर्स भी, अब जरा आंसर दीजिए। ब्राह्मण तो नहीं, शुद्राज तो नहीं होंगे, वैश्या सही आंसर है। जिसने आंसर दिया वैश्या एक्सप्लेनेशन के बाद, तो करेक्ट आंसर है, ठीक। करेक्ट आंसर क्या है? सी हमारा करेक्ट आंसर है, वैश्यास। नेम द पर्सन, क्वेश्चन नंबर 37, नेम द पर्सन हु फाउंडेड द थियोसोफिकल सोसाइटी इन इंडिया। थियोसोफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया किसने बनाई थी? हम मैडम ब्लावेटस्की एंड कॉल, फिर कहा गया है ये बेटा, फिर कहा गया रामाबाई रेंडे, सरोजनी नायडू। ना तो इसका डी है, ना बेटा इसका बी है, ना इसका सी है, ए इसका सही आंसर जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है, नेम द सोशल रिफॉर्मर हु वर्कड फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमन इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने किस सोशल रिफॉर्मर ने किस सोशल रिफॉर्मर ने क्या किया, किस सोशल रिफॉर्मर ने काम किया वुमन अपलिफ्टमेंट के लिए? ज्योतिराव फुले ने, सईद अहमद खान ने, रामाबाई रांडे ने, या एनी बेसन ने, ठीक है। तो सही आंसर जाएगा, ज्योतिराव फुले ने महाराष्ट्र के एरिया में काम किया वुमन अपलिफ्टमेंट के लिए, यानी औरतों की भलाई के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, द पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज एन्यूलड इन विच ईयर। याद रखिएगा, पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था, जरा आप बताइए। बंगाल को दो हिस्सों में बांटा गया था, जिसे फिर आजकल हम कहते हैं ना ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल, मैं लास्ट पर मैप के जरिए इसको दिखाऊंगा। मगर फिर कलअदम किया गया, लॉर्ड हेडिंग ने बेटा इसे कलअदम किया, कलअदम। एन्यूलड का मतलब क्या होता है? इसे कलअदम कहा गया कि ये सही नहीं था, कलअदम किया गया। ये 1911 में किया गया, 1932 भी यहां पर गलत है, 1921 भी गलत है, और 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल बंगाल को बांटा गया था। हाँ, आप यहां पर सही आंसर जाएगा, पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में, बट ये नहीं कह रहा पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था, ये कह रहा था एन्यूलड इन विच ईयर किस। हमारा काम यही है कि आपको ऐसे क्वेश्चन दे जिसके जरिए आपके दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो। कल अदम करार दिया गया था, ठीक, कि ये पार्टीशन ऑफ बंगाल सही नहीं था, तो 1911 में। तो क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, हु लेड द खेड़ा सत्याग्रह। अब जरा चले बेटा मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, ठीक है, मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया से क्वेश्चन है, हु लेड द खेड़ा सत्याग्रह इन 1918। तो यहां पर मैं एक बात कहूंगा, 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया आते हैं, तो 1915 से क्या होता है, इसे हम गांधियन एरा कहते हैं, गांधी जी का टाइम स्टार्ट होता है, गांधी जी की गांधियन एरा स्टार्ट होता है, गांधी जी का टाइम स्टार्ट होता है इंडिया में 1916 से। फिर बाजाबता तौर पर उन्होंने सियासत में सत्याग्रह में पार्टिसिपेशन किया, पहले पूरे इंडिया का विजिट किया, समझा हालात, समझे डाइवर्सिटी, समझे, ठीक है। तो सीधी सीधी बात है बेटा, बाल गंगाधर तिलक तो नहीं थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू भी नहीं थे, ये महात्मा गांधी थे जिन्होंने खेड़ा सत्याग्रह 1918 में क्या किया था, चलाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है, विच इवेंट लेड टू द लॉन्च ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विच इवेंट, किस इवेंट के बाद, किस इवेंट का नतीजा था? हाँ, यहां पर ए सही होगा, जलियाना वाला बाग की वजह से ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वजूद में आई थी। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है,
चौराहे चौरा इंसिडेंट लेड टू द विड्रॉल ऑफ विच मूवमेंट. अच्छा वहां पर क्या हुआ था चौराहे चौरा में? वहां पर बाजाबता तौर जब बेटा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रही थी, गांधी जी के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इंडिया में चल रही थी 1920-1921 में, तो क्या हुआ, लोगों ने भीड़ एक क्या हो गई, उग्र हो गई, एग्रेसिव हो गई, उन्प्रवोक हो गई और उन्होंने पूरी चौकी को जला डाला जिसमें 20 पुलिस वाले जिंदा जल गए थे. तो अब जरा देखिए तो क्या कहा गया, अब 19 फरवरी 1922 को ही ये मूवमेंट विड्रॉ हुई थी. मतलब गांधी जी ने कहा नहीं, लोग ट्रेनड नहीं है, लोग रेडी नहीं है. तो याद रखिएगा फेब 1922 में ये क्या थी, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थी जो गांधी जी ने विड्रॉ की. वजह क्या थी, वजह यही था कि उसने कहा कि लोग अभी सही से तैयार नहीं है, जहनी तौर पर ट्रेन नहीं है. तो क्विट इंडिया मूवमेंट नहीं थी 1942, सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट 1932, नॉन कॉप साल्ट सत्याग्रह नहीं बेटा. तो यहां पर बी करेक्ट आंसर जाएगा. हाँ, फिर क्वेश्चन नंबर 43 कहा गया, हु लेड डांडी मार्च इन 1930. अच्छा डांडी मार्च को करने वाले कौन थे, अभी बेटा हमने देखा गांधी जी, याद रखिएगा बी पार्ट सही आंसर है. क्वेश्चन नंबर 44 है, द पूना पैक्ट ऑफ 1932 वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन. अच्छा पूना पैक्ट किस किस के दरमियान हुआ था, पूना पैक्ट किसके बीच में था, बी आर अंबेडकर. बी पार्ट यहां पर करेक्ट आंसर बनेगा. चलिए, क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर, क्विट इंडिया मूवमेंट कब लॉन्च हुई थी, इससे पहले मैंने आंसर दिया ठीक, कौन सी 1945 में तो नहीं, 1930 में नहीं, 1935 में नहीं, 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर अपने चरम पर थी. चले नेक्स्ट, चले बेटा क्वेश्चन नंबर 46 बोल रहा है, हु वाज द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली वुमन प्रेसिडेंट कौन थी, फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी, हाँ, जिसे जिसे ह्यूम ने बनाया था 1885 में ठीक. तो कहा गया सरोजनी नायडू नहीं थी, विजय लक्ष्मी पंडिता नहीं थी, एनी बेसेंट, हाँ बेटा बी सही आंसर है, डी भी नहीं है, बी सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 46 का. क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है, द सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट वॉज इनिशिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट. द सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट वॉज इनिशिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट. किस द सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट वॉज इनिशिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट. किस इवेंट के बाद, किस इवेंट के बाद सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट हुई थी, सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट साल्ट मार्च के बाद हुई थी. तो साल्ट मार्च यानी डांडी मार्च. हाँ तो क्वेश्चन, तो आंसर यहां पर ए सीधे सीधे बोल रहे हैं, जहां जलियांवाला बाग मैंने पहले कहा 1990 में हुआ था, खिलाफत मूवमेंट 1920-21 ठीक, पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905, तो सीधे बेटा डांडी मार्च ए यहां पर सही आंसर बनेगा. चले आगे, नाउ लेट वी डिस्कस द अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, हु फाउंडेड द फॉरवर्ड ब्लॉक इन 1939 में. फॉरवर्ड ब्लॉक किसने बनाया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नहीं बनाया था, महात्मा गांधी जी ने भी नहीं बनाया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी नहीं बनाया था. बी सही आंसर है, सुभाष चंद्र बोस. क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक किसने बनाया था, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था मेरा बेटा किसने, ये बनाया था सुभाष चंद्र बोस ने. सुभाष चंद्र बोस वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया. 49 में आप पर ही छोड़ देता हूं मैं, तब तक ये पूछता है हाउ मेनी कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड ज्वाइनड द कॉन्फ्रेंस ऑफ बंदूगी बंदूक इन इंडोनेशिया. इंडोनेशिया में जो क्या हुई थी, कॉन्फ्रेंस हुई थी, किसने, इसमें कितनी कंट्रीज थी. चलिए इसमें वही से कहा गया 100 कंट्रीज, 20 कंट्रीज, मोर देन 100 कंट्रीज, इसमें सारे आंसर्स दिए गए हैं. हाँ इसमें आप देखिए बेटा, यहाँ पर कहा गया 90, सी कहा गया है मोर देन 100, बी कहा गया है लेस देन 20 कंट्रीज, डी कह रहा है 100 कंट्रीज. सही आंसर आप मुझे बताइए, तब तक हम क्वेश्चन नंबर, मैं क्वेश्चन नंबर 50 करता हूँ ठीक वीर, तब तक मैं करता हूँ. बहुत बहुत आसान क्वेश्चन है, दारवी द लार्जेस्ट स्लम ऑफ वर्ल्ड इज सिचुएटेड इन. जो दारवी है ना, दुनिया की सबसे बड़ी, द लार्जेस्ट स्लम ऑफ वर्ल्ड, दुनिया की सबसे बड़ी झुग्गी झोपड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी झुग्गी झोपड़ी कहां पर है, दारवी में है. लार्जेस्ट स्लम ऑफ वर्ल्ड ये कहां पे है, सिचुएटेड है कहां पर, कलकत्ता में नहीं, चेन्नई में नहीं, दिल्ली में नहीं, कहां पर है, डी सही आंसर बनेगा, ये मुंबई में है. कहां पर, मुंबई, दारवी बड़ी मशहूर है. चलिए क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर बनेगा 29 कंट्रीज. आसिफ क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है, द लीडर हु वेंट ऑन हंगर स्ट्राइक फॉर आंध्र प्रदेश टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ तेलुगु स्पीकर.
लीडर कौन लीडर था जो गया हंगर स्ट्राइक पर, हंगर स्ट्राइक, ठीक है, हंगर स्ट्राइक एक इंपॉर्टेंट टूल है, किसके किसके लिए इंपॉर्टेंट टूल है याद रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट टूल है हंगर, हंगर यानी खुद को अजियत देना, दूसरों को फायदा देना। भी गांधी जी ने भी ये टूल बहुत बार इस्तेमाल किया, यानी पूरा फाका कशी पे पूरा फाका कशी इस्तेमाल करते हैं कि कुछ नहीं खाते हैं, किसके लिए, आंध्र प्रदेश के लिए, फॉर द आंध्र प्रदेश, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ तेलुगु स्पीकर्स, किनके किनके फायदे के लिए, तेलुगु स्पीकर्स के लिए। चित्ता रंजन दास ये नहीं है, ये तो ए है, ये नहीं है, याद रखिएगा। यानी हमारे पास चार ऑप्शंस है, चार में से देखेंगे, ए कह रहा है चित्ता रंजन दास, बी कह रहा है पीटी श्रीमुल्ला, पोटी श्रीमुल्ला, ये आंसर है हमारा बी, क्योंकि सी भी नहीं है, कृष्ण मेनन भी नहीं है और डी भी नहीं है, तो बी सही आंसर बनेगा, पीटी श्रीमुल्ला ने, ठीक है, कब बेटा, आंध्र प्रदेश के लिए अपनी जान दी थी, याद रख। 52 द बिलाई स्टील प्लांट वॉज सेटअप इन ईयर, जो बिलाई स्टील प्लांट है वो कब सेटअप हुआ था, 1950 में नहीं, 1952 में नहीं, 1955 में नहीं, 1959 में जो बिलाई स्टील प्लांट है वो सेटअप हुआ था। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है हाउ मेनी इंडियंस फॉर्मड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कितने लोगों ने, कितने मेंबर्स ने, कितने लोगों ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, 100 ने बनाया था, नहीं इसमें इससे ज्यादा थे, 200 ने बनाया था, नहीं इससे ज्यादा थे, 300 ने बनाया, 400 ने बनाया, 400 तो नहीं थे, 300 लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने लोग थे, 300 लोग। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है न्यू स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश केम इनटू बीइंग, आंध्र प्रदेश जो है ना, न्यू स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश कब वजूद में आई, 1 अक्टूबर 1953 को, 15 अक्टूबर 1953 को, 1 मई 1953 को, या 15 मई 1953 को। तो हमारा सही आंसर जाएगा ए, 1 अक्टूबर 1953, ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 54, विच इज नॉट द फीचर ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन, ये इनमें से फीचर नहीं है। फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इक्वालिटी, फंडामेंटल राइट, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, ठीक, ये सारी चीजें हैं। तो यहां पर कह रहा है Adoption, ये कह रहा है not, याद रखिएगा, which is not the feature of our constitution, ये feature नहीं है। Adoption of universal adult franchisee, ये कह रहा है ये तो feature है, universal adult franchisee right to vote, ये कह रहा है B, कह रहा है preference to Hindu religion, हमारा religion क्या है, secular है, Indian constitution क्या है, sorry, Indian constitution is a secular constitution, secular, ये feature है ना Indian constitution का, तो क्या Hindu religion, फिर Hindu religion को preference देना, क्या ये secularism में आता है, नहीं। Question number ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर ये सी पार्ट कह रहा है इक्वल राइट्स टू ऑल सिटीजन, ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, स्पेशल प्रिविलेज फॉर पुअरेस्ट एंड मोस्ट एडवांटेज इंडियंस, ये भी सही है। तो इनमें बी सही नहीं है, बी पार्ट जो है ना वो सही आंसर नहीं है, तो बी शुड बी चेक्ड अगेन, बी इज नॉट अ करेक्ट आंसर, B is not feature of our constitution. So B यहाँ पर क्या बनेगा? B is the correct answer. So now let we discuss the another question. Question number 57. ये कह रहा है up to which date were many of the princely state retained as administrative units? कब तक हम? Which date were many of the princely states retained as administrative unit? बताइए उस किस डेट तक? 15 अक्टूबर 1947 अप टू अक्टूबर 31 1947, अप टू अक्टूबर 1955 या अक्टूबर 31 1956, अक्टूबर 1956, डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है द यूनाइटेड नेशन वॉज फॉर्मड इन, ये क्वेश्चन मक्खन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58, ये जरा बेटा आप कीजिए, मैं हम तब तक दूसरा 59 करता हूं, ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर लिखिए, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है इंडिया सेलिब्रेटेड इट्स 16th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, 1947 से हिसाब कीजिए क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 59 का, हाँ क्या आंसर बोल रहा है आप बताइए, 16th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस कब बराबर होते हैं जरा बताइए, 47 57, हाँ 10 साल, फिर उसके बाद 57 से लेकर 67 10 साल, 67 से लेकर 77 से लेकर 87, हाँ जरा बेटा चेक कीजिए ना, 40 साल तो हो गए, 77 फिर 97 फिर 2007, जरा बेटा बताइए
ये कह रहा है अगस्त 2015-2007, अगस्त 15-2009, अगस्त जनवरी 26-2000 या जनवरी 15-2000, तो सात के करीब करीब आंसर आएगा। तो सेवन क्वेश्चन नंबर हमारा ए पार्ट यहां पर सही आंसर बनेगा, ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 59। चलिए आते हैं 58 पर वापस, यस सही आंसर है क्वेश्चन नंबर यहां पर बी पार्ट सही आंसर बनेगा 1945 इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 बोल रहा है, कह रहा है सम इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर गिवन बिलो, कुछ इंडियन कुछ फीचर्स दिए गए हैं, पिक इफ एनी स्टेटमेंट नॉट ट्रू, बताइए इफ अगर कोई स्टेटमेंट सही नहीं है वो हमें बताइए। पहला स्टेटमेंट क्या है, कुछ बातें की गई है आप उन स्टेटमेंट्स को बताइए। द कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रेस्ड ऑन हिंदू पाकिस्तान आइडियल्स, ये तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बताता। दूसरा कह रहा है इट ऑफर्ड स्पेशल प्रिविलेज टू पुअर, गरीबों को डिसएडवांटेज उसको स्पेशल प्रिविलेज है, ये सही स्टेटमेंट है। इट गारंटीड इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये स्टेटमेंट भी सही है। ऑल इंडियंस अब वो एज जो 21 से आगे है, 21 पहले 21 था अब 18 है, ठीक है, यानी वोटिंग राइट भी सबको है। तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही नहीं है, तो ए जो है ना ए सही नहीं है, यानी ए ही हमारा आंसर बनेगा, ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है इन विच ईयर वॉज द स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमिटी सेट अप टू रिकमेंड द रिड्रॉइंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड प्रोविजनल बाउंड्रीज ऑफ मेनी प्रोविंसेस, इन विच ईयर किस साल स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमिटी सेटअप हुई थी और रिकमेंड की थी रिड्रॉ करना डिस्ट्रिक्ट और प्रोविजनल बाउंड्रीज को फिर से एक बार। तो क्वेश्चन यहां पर बोल रहा है 1956, तो याद रखिएगा 1956 में वो कमिटी बिठाई गई थी, तो यहां पर भी 1965 बताया गया है जो सही नहीं है, 1962 भी नहीं है, 1959 भी नहीं है, तो 1956 सही आंसर बनेगा, ए पार्ट यहां पर क्वेश्चन नंबर 61 का सही आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है द प्लानिंग कमीशन डिजाइनड एंड एग्जीक्यूटेड सुटेबल पॉलिसीज फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट बेस्ड ऑन, याद रखिएगा प्लानिंग कमीशन जिसे आजकल नीति आयोग कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है नीति आयोग क्या कह रहा है, कमीशन डिजाइनड एंड एग्जीक्यूटेड सुटेबल पॉलिसीज, अच्छी सुटेबल पॉलिसीज को एग्जीक्यूट किया गया इकोनॉमिक डेवलपमेंट बेस्ड ऑन किस चीज पर, मार्केट इकोनॉमी नहीं, प्राइवेट एंटरप्राइज नहीं, पब्लिक एंटरप्राइज नहीं, तो दोनों पब्लिक प्राइवेट याद रखिएगा जिसे हम मिक्सड इकोनॉमी कहते हैं। हाँ यहां पर क्या रहेगा, बी सही आंसर बनेगा, मिक्सड इकोनॉमी बी इज द करेक्ट आंसर, बी क्या है करेक्ट आंसर है। कहा गया क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है इन विच ईयर डिड जवाहरलाल नेहरू एस्टैब्लिश प्लानिंग कमीशन, किस साल जवाहरलाल नेहरू ने प्लानिंग कमीशन को एस्टैब्लिश किया, 1965, 1960, 1958, 1960, तो हमारा सही आंसर है 1950, बी हमारा सही आंसर बनेगा, 1950 में जवाहरलाल नेहरू ने एस्टैब्लिश किया प्लानिंग कमीशन। क्वेश्चन नंबर 64 है हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हु होस्टेड इंडियन फ्लैग ऑन 15 अगस्त 1947 में, कौन थे प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे जिसने होस्ट किया, जिसने झंडा जो इंडिया का तिरंगा है उसको लहराया, कहां पर रेड जिसने इंडियन फ्लैग को लहराया ऑन 15 अगस्त 1957, तो सीधी सीधी बात है ये जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है पिक आउट द डेट ऑन विच द न्यू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम, वो डेट बताइए जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिस दिन क्या किया गया था इफेक्ट फोर्स में लाया गया था, 26 जनवरी 1950 नहीं 26 जनवरी 1949 नहीं है 26 जनवरी 1952 भी नहीं है, 26 जनवरी 1947 नहीं है, 26 जनवरी 1950 सही आंसर है, यानी बी पार्ट हमारा सही आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 66 अ सीरीज ऑफ मीटिंग, बहुत सारी मीटिंग्स हुई असेंबली, हाँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, कब कहां दिल्ली में, आफ्टर इंडिया जब हिंदुस्तान आजाद छोड़ा गया, विच इन विद डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, इंपॉर्टेंट डिस्कशन किस चीज पर, व्हाट वाज द आउटकम और उसका नतीजा क्या निकला उन सीरीज ऑफ मीटिंग्स का, एसेसिनेशन ऑफ महात्मा गांधी यानी उन मीटिंग्स के बाद महात्मा गांधी का कत्ल हुआ, तो ये सही आंसर नहीं है। फिर कहा गया सिट्रस इंपॉर्टेंस टू बी गिवन फॉर वर्निक्यूलर लैंग्वेज, ये भी नहीं है कि वर्निक्यूलर जो रिवायती जबान है उनको ज्यादा तरजीह दी जाए, इंपॉर्टेंस ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन नहीं, सी भी नहीं है, फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। फिर पूछा गया क्वेश्चन नंबर 67 नेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ
named the first president of the first planning commission established in 1950 mein jo planning commission banaya gaya named the first president pehle president ka naam jo planning commission ka tha 1950 mein jo establish hua tha to sardar vallabhai patel yahan par beta a sahi answer jayega sardar vallabhai patel dr rajendra prasad nahi the jawaharlal nehru nahi the vk krishna menon bhi nahi the to a sahi answer banega who was the deputy prime minister in the cabinet of prime minister jawaharlal nehru cabinet kya hota hai jo top ministers hote hain 10 टॉप मिनिस्टर्स जो टॉप मिनिस्टर्स होते हैं उनकी एक टीम होती है उनका एक ग्रुप होता है जिसे क्या कहते हैं जिसे कैबिनेट कहते हैं याद रखिएगा क्या कहते हैं कैबिनेट कहते हैं कैबिनेट में टॉप मिनिस्टर्स होते हैं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल बेटा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे कैबिनेट में ठीक है याद रखिएगा तो ए यहाँ पर सही आंसर बनेगा चलिए 69 पूछ रहा है पिक आउट द ईयर इन विच द बायलिंगुअल स्टेट ऑफ मुंबई बायलिंगुअल स्टेट ऑफ मुंबई वॉज डिवाइडेड इंटू सेपरेट स्टेट ऑफ मराठी एंड गुजरात उस साल को बताइए जिस साल मुंबई जहां से गुजरात और महाराष्ट्र अलग अलग हुए हाँ बताइए 1965 नहीं 1968 भी नहीं है 1967 भी नहीं है तो करेक्ट आंसर बनेगा हमारा सी पार्ट 1960 क्वेश्चन नंबर 70 बोल रहा है बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डिड इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस रीऑर्गेनाइज द स्टेट्स किस चीज को बेस बनाकर कौन सी चीज को बेस बनाकर यहां इंडिया में क्या हुआ था रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था यानी स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया गया था ठीक हाँ ऑन द बेसिस ऑफ एरिया ऑफ स्टेट नहीं एरिया ऑफ स्टेट पे नहीं कि जिसका बड़ा होगा उसी हिसाब से नहीं जिसका बड़ा एरिया होगा ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट नहीं पॉपुलेशन की बुनियाद पर भी स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज नहीं किया गया ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज स्पोकन या ऑन द बेस ऑफ स्टेटस ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं यानी डी तो बिल्कुल ही नहीं है ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज स्पोकन ये सही आंसर है जुबानों की बुनियाद पर लिंग्विस्टिक स्टेटस इन्हें कहा जाता है लिंग्विस्टिक स्टेटस ठीक है ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज या लिंग्विस्टिक स्टेट लिंग्विस्टिक स्टेट का गठन हुआ था याद रखिएगा आजादी के बाद रीऑर्गेनाइजेशन इसी चीज पर हुई थी क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है चूज द ईयर इन विच द स्टेट ऑफ पंजाब वॉज डिवाइडेड इंटू पंजाब एंड हरियाणा हाँ पंजाब और हरियाणा किस साल अलग अलग हुए थे तो 1961 नहीं था 1966 सही आंसर है 1960 और 1963 दोनों नहीं है बी यहां पर सही आंसर जाएगा चले आगे नेक्स्ट पूछते हैं नेम द हिंदू फैनेटिक हु शूट एंड किल महात्मा गांधी महात्मा उस यानी महात्मा गांधी को किसने मारा था सीधे सीधे सवाल पूछा गया है ठीक है तो नारायण आपते ये तो नहीं है गोपाल गोडसे नहीं है तो उनका नाम नथुराम गोडसे है जिन्होंने गांधी जी को मारा था और पहले तो पांव छुए थे फिर जाके गांधी जी को शूट किया था ठीक विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स टर्म्स रेफर टू द राइट टू वोट इनमें से कौन से लफ्ज राइट टू वोट की तरफ जाते हैं हाँ अथॉरिटाइजेशन नहीं परमिशन नहीं फ्रेंचाइजी या एग्रीमेंट तो फ्रेंचाइजी सी पार्ट सही है डी भी नहीं है तो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 73 व्हिच डे इज ऑब्जर्वड एज द सर्वोदय डे एवरी ईयर क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कौन सा दिन तो ये सीधे सीधे क्वेश्चन नंबर ये बेटा ए पार्ट सही आंसर है 30 जनवरी को ये सर्वोदय डे मनाया जाता है हर साल अब जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है अपार्ट फ्रॉम बिल्डिंग डैम्स को बनाने के बगैर नेम द इंपॉर्टेंट सेक्टर्स दैट वाज फोकस्ड स्ट्रॉन्गली ऑन द सेकंड फाइव ईयर पहला फाइव ईयर प्लान फिर सेकंड फाइव ईयर प्लान उसके बाद जरा बताइए किस चीज पर ज्यादा ध्यान दिया गया था सीमेंट एंड फर्टिलाइजर सेक्टर पर तो नहीं एग्रीकल्चर पर भी नहीं हाँ हैवी इंडस्ट्री पर दिया गया था यानी याद रखिएगा बी सही आंसर जाएगा सेकंड जो फाइव ईयर प्लान बना था उसमें बड़ी इंडस्ट्रीज पर जैसे स्टील इंडस्ट्रीज पर ज्यादा ध्यान दिया गया था डी यहां पर नहीं है बी इज द करेक्ट answer when the new state of andhra pradesh did came into abhi humne jawab diya tha 1st october 1953 b yahan par sahi answer jayega chaliye question number 77 beh raha hai why was the date 26 january 1950 chosen for the new constitution kyu 26 january 1950 ko hi choose kiya gaya constitution ko force mein apply karne ke liye to टू कोइंसाइड द बर्थडे ऑफ फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है बी आर अम्बेडकर उनका जन्मदिन इस दिन था तो ए तो बिल्कुल ही सही आंसर नहीं है टू को इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट नहीं बी भी नहीं है कि इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट नहीं हुआ था को इंसाइड विद द 20th एनिवर्सरी ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डे एट द लाहौर सेशन हाँ लाहौर सेशन में क्या हुआ था लाहौर सेशन में डिक्लेयर हुआ था कि हम 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे अगले साल 1930 से तो उसी दिन को उन्हीं शहीदों को उन्हीं को श्रद्धांजलि उन्हीं की इज्जत अफजाई करते हुए उस दिन की
ये उस दिन की जो यादें हैं उनको ताजा रखने के लिए, उस लेगेसी को याद रखने के लिए 26 जनवरी को ही क्या किया गया कि उस दिन को रखा गया। कोइंसाइड उसी दिन 20वीं एनिवर्सरी भी थी और सीधा सीधा इस लेगेसी को, जो लाहौर सेशन की लेगेसी थी, उसको कंटिन्यू रखने के लिए 26 जनवरी 1950 को ही चुना गया कि हम इसी दिन कॉन्स्टिट्यूशन को फोर्स में लाएंगे। तो डी नहीं है, सी इज द करेक्ट आंसर। सी क्या है? करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33। अब सीधे सीधे लास्ट चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम बेटा लास्ट टॉपिक की तरफ मूव कर रहे हैं। तो हमारा जो एरिस्टोटल है वहां से पूछा गया है, पहला जो हमारा डायरेक्ट में ट्रू फॉल्स में से कुछ हमें पूछे गए हैं, गुलाब सिंह बॉर्न हुए थे 1792 सी में, क्या ये सही है कि गलत है? चलिए बताइए, क्या गुलाब सिंह वॉज बॉर्न 1792, ये सही है बेटा? गुलाब सिंह 1792 में पैदा हुए थे। 79 कह रहा है द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर इन 1846, ये सही है, ये फॉल्स नहीं है 1846। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है रणबीर पैनल कोड इंट्रोड्यूस्ड ऑन फ्रेम ऑफ मैकलियर कोड। हाँ बेटा, रणबीर पैनल कोड, आरपीसी, रणबीर पैनल कोड इसे कहते हैं बेटा, रणबीर पैनल कोड आरपीसी के नाम से था, ये मैकलियर कोड पर ही क्या हुआ था, इंट्रोड्यूस हुआ था, ये भी हमारा सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है कि रणबीर कैनल वॉज नॉट लार्जेस्ट, ये जम्मू में बड़ी कैनाल नहीं थी, जम्मू एरिया में जो इरिगेट करती थी एंटायर एरिया अखनूर टू रणबीर सिंह पूरा तहसील, नहीं है बेटा ये गलत है, क्योंकि रणबीर कैनाल जम्मू में सबसे बड़ी कैनाल थी। क्वेश्चन नंबर 81 फॉल्स है, ये यहां पर क्या, रणबीर कैनाल लार्जेस्ट कैनाल थी। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है बानिहाल कोट रोड एंड लद्दाख रोड वर ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड, हाँ क्या बनाए गए, रेलवे वॉज ऑल्सो लेड डाउन, रेलवे बनाई गई बिटवीन जम्मू एंड सियालकोट 1905 में, हाँ क्या है, क्या कह रहा है, बानिहाल कोट रोड और लद्दाख रोड बनाए गए थे, ठीक, रेलवे भी बनाई गई 1905 में, ये सही है 1905 में रेलवे बनाई गई, ठीक। अब एक क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 83 पूछ रहा है ट्रीटी ऑफ लाहौर वाज साइनड ऑन मार्च 9, बट किस साल, मार्च 9 को ट्रीटी ऑफ लाहौर, ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ट्रीटी ऑफ लाहौर, दो बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रीटीज है, लाहौर दरबार में ये साइन हुई थी सिखों और ब्रिटिशर्स के बीच में 1846 में बेटा, ये साइन हुई थी 1867 में नहीं 1870 में नहीं, ए सही आंसर जाएगा, ठीक है मार्च 9 1846। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है ट्रीटी ऑफ अमृतसर वॉज साइनड, ट्रीटी ऑफ अमृतसर कब साइन हुई, 19th मार्च को नहीं हुई, 20th मार्च को नहीं हुई, हाँ इनमें से कोई नहीं, यानी बेटा ये भी नहीं है, तो सीधे सीधे 16th मार्च। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है महाराजा गुलाब सिंह टुक मेनी स्टेप्स, महाराजा गुलाब सिंह ने बहुत सारे कदम उठाए फॉर रिफॉर्मेशन, किसके लिए, रिफॉर्मेशन के लिए, रिऑर्गेनाइजेशन के लिए, हाँ कहां पर, एडमिनिस्ट्रेशन में, जितने भी ट्राइबल चीफ्स थे ना उन पर उसने लगाम कसी, शाली सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट कदम उठाए, सप्रेशन ऑफ रिवॉल्ट बाय डिसऑर्डरली ट्राइबल्स, सही है, सप्रेस किया उनको, दबाया जिन्होंने ना इसके, जिन्होंने इस पूरे सिस्टम को बिखेर के रखा था, रिफॉर्म्स इन फाइनेंस, एग्रीकल्चर और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में रिफॉर्म्स लाए, जागीरदार सिस्टम वॉज रिकॉग्नाइज्ड एंड द रेवेन्यू से क्या किया गया, जागीरदारी सिस्टम को रिऑर्गेनाइज किया गया, रेवेन्यू फ्री ग्रांट्स को रिवोक किया गया, और पूछ रहा है फोर्थ वन यानी डी पूछ रहा है ऑल ऑफ द अबो, हाँ बेटा ये सही आंसर है, डी इज द करेक्ट आंसर। कल्चरल कांग्रेस, कल्चरल चेंजेस, क्वेश्चन नंबर 86 द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, कल्चरल कांग्रेस चेंजेस और कल्चरल चेंजेस और कल्चरल डेवलपमेंट वर सीन इन, कल्चरल चेंजेस या जिसे हम बेटा कहेंगे कल्चरल डेवलपमेंट देखे गए, हाँ रणबीर सिंह फिर पूछा गया डैश सीन इन कहां पर, फिर कह रहा है रणबीर सिंह वॉज लवर ऑफ आर्किटेक्चर, डज ही कंस्ट्रक्टेड, किस सूरत में देखे गए ये कल्चरल चेंजेस, क्योंकि कल्चर मटेरियल नॉन मटेरियल दोनों होता है, तो पूछा जाता है कि आप बताइए, हाँ रणबीर सिंह वॉज लवर ऑफ आर्किटेक्चर, डज ही कंस्ट्रक्ट टेम्पल्स श्राइन्स एंड न्यू पाठशाला, उसने टेम्पल्स वगैरह बनाए, पाठशालाज बनाए, तो ये कल्चर का हिस्सा है मंदिर बनाना, कंस्ट्रक्शन बनाना, ठीक। रामलीला एंड रासलीला वर प्लेड, रामलीला और रासलीला बनाई गई, एंड मंडलीज को बुलाया जाता था फ्रॉम मथुरा वृंदावन, आप बताइए इनमें से सही आंसर कौन है, बोथ ए एंड बी है, बोथ अबो जितने भी है बोथ ए एंड बी, या हमें बताइए कि डी सही आंसर है या